सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। तो स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो गाइज, अभी अब वो टाइम फाइनली आ गया है ताजमहल जाने का। तो यार, आज का आपको दिखाएंगे ताजमहल। अभी हम निकल रहे हैं और टाइम हो चुका है सुबह के 7:30 बज चुके हैं। और आज हम जल्दी उठ गए थे यार, जल्दी उठ के हम ब्रेकफास्ट नहीं किए, रेडी हो गए हैं। तो यार, ताजमहल पहले घूमेंगे फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। तो अभी निकलते हैं यार अपने रूम से। ये है 1.5 किलोमीटर, तो हम बाय वॉकिंग नहीं चले जाएंगे यार, पैदल। भैया ने बोला है 10 मिनट में आप पहुंच जाओगे। तो यार निकलते हैं अब। 15 मिनट्स लेटर। अभी भाई ताजमहल पहुंच चुके हैं, तो हमने टिकट ले ली है। कितने की पड़ी टिकट भाई? 50 रुपीज की पड़ी है। साथ में टोकन कौन सा? दो टोकन मिल गए। एक टोकन का पता नहीं क्या पर्पस है, अभी जाके अंदर ही देखते हैं। इंडियन के लिए 50 रुपए है जी, देख सकते। सो फाइनली गाइस, हम एंटर कर चुके हैं यार ताजमहल के अंदर। तो ये रहा था एंट्री गेट, यहाँ से हुई हमारी एंट्री। तो ये है यहाँ पे एंट्री का मेन गेट। तो अब हम जा रहे हैं अंदर यार, आपको दिखा दें अंदर का नज़ारा यार। तो हम यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसके लिए। अभी आपको दिखाते हैं यार क्या है अंदर और कैसे है सब आप। फाइनली गाइस, यार अभी टाइम सुबह के 8 ही बजे है। तो भीड़ यार आप देख सकते हो, 8 बजे इतनी भीड़ हो चुकी है। आगे भी अगर आगे देखेंगे तो आगे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। इधर भी यार अगर आप आगे भी देखोगे तो भीड़ बहुत है। तो एक ही रीज़न है यार भीड़ का, वो रीज़न वही है कि यार उसके बाद हो जाती है गर्मी, तो यार लोग सुबह सुबह ही होके चले जाते हैं विज़िट करके। सो फाइनली गाइस, आप देख सकते हो यार जो यहाँ का नज़ारा है। ये वॉइस ऑफ वीडियो में नहीं आ रहा यार, इतनी चमक है इसकी यार। यार सच में वीडियो में नहीं आ रहा था यार, वीडियो में ना ब्लर हो रहा था। तो यार ब्लर होने का यार एक ही रीज़न है यार, इसकी जो चमक है ना यार। तो यार जैसे आपको पता ही है यार, जो चीज़ आंखों से देखी जाती है ना भाई, उसका मज़ा अलग ही है। तो बाकी आप भी यार ज़रूर आएँ, अगर घूमने का शौक रखते तो ताजमहल ज़रूर देखें यार। तो भाई यार अभी सुबह का टाइम है इसलिए भीड़ कम है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा भीड़ ज़्यादा होती जाएगी। और अगर आप यार विजिट करना चाहते हैं तो सुबह के टाइम पे ही आएँ यार, सुबह का टाइम जो है वो सबसे बेस्ट टाइम है यार। हाँ जी जशन, आया मज़ा? बहुत बढ़िया यार, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें से क्या अच्छा लगा यार? जो वही है ना, ये ताजमहल की लुक है वो बहुत बढ़िया। बस यही चीज़ है भाई, यही तो उसका मेन पर्पस था कि यार जो यही चीज़ बनी है ना, इसके जैसी कोई चीज़ बने ना। इसी के कारण यार शाहजहां ने यार, जिन्होंने ये बनाया था ना मजदूरों ने, उनके यार उन्होंने हाथ कटवा दिए थे। और हाथ कटवाने का एक ही रीज़न था कि यार ऐसा दोबारा कोई और बना ना सके। यार आप खुद ही सोच लो यार, उस बंदे के माइंड में ये चीज़ क्यों आई, क्योंकि उसको भी पता था कि ऐसी चीज़ यार दोबारा ज़िंदगी में बननी नहीं चाहिए। और यार जिन्होंने बनाया था यार, उनके लिए यार बुरा लगा मेरे को कि यार उन लोगों ने इतनी मेहनत की, लेकिन यार उस बंदे ने एक बार भी सोचा नहीं यार। उसने अपनी मुमताज के लिए बनवाया था, और बनवाने के साथ ही उसकी खुशी थी उसकी वाइफ की, उसने बनवा दिया। और बनवाने के साथ ही यार मजदूरों के हाथ कटवा दिए। तो यार ये भी एक मतलब हिस्ट्री है यार यहाँ की। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। तो अभी आपको यार अंदर का भी नज़ारा दिखाना है, तो वेट करो फिर। सो यार भाई, जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं ना यार, तो ये यार जो इसकी चमक है ना यार, वो आँखों में पड़ रही है यार। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है यार, मतलब पता नहीं क्यों यार इसको देख के ना ऐसे लग रहा है कि यार मतलब यहाँ ही बैठे रहे यार, कहीं घर ही ना जाएं यार, यहीं पे रहे हम। ऐसी खूबसूरती है यार ये चीज़ की, जैसे जैसे पास आ रहे हैं ना तो यार मज़ा बढ़ता ही जा रहा है भाई। यार आप भी यार इस चीज़ को फील कर सकते हो यार, इसको खुद ही देख के आप ही समझ सकते हो यार।
यहाँ पे यार जो नज़ारा है ना यार वो अलग ही नज़ारा है। और यहाँ मतलब जहाँ पे जो फॉरेनर की यार मतलब गिनती है वो भी बहुत ज़्यादा यार फॉरेनर, मतलब ऐसे आ रहे यार फॉरेनर ना इस चीज़ को ऐसे मान रहे हैं यार जैसे ये कोई मंदिर होता है यार। ये देखो यार ये ऐसे मान रहे हैं कि जैसे ये कोई मंदिर है यार, मतलब एक तरीके से यार वो पूजा ही कर रहे हैं इस चीज़ की। तो यार आप खुद ही सोच लो यार इंडिया में कैसी कैसी जगह है यार जिसको लोग मतलब इस तरीके से देखते हैं कि यार इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता यार। गाइज हम यहाँ पे 8:15 बजे आए थे तो अभी बज गए यार 9:15, 1 घंटा हो चुका है हमें अंदर आए को। तो यार अभी 1 घंटा घूम के यार बिल्कुल गर्मी लगनी शुरू हो गई है क्योंकि टाइम हो चुका है 9:15। तो यार जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है गर्मी भी बढ़ती जाती है। तो यार इसकी खूबसूरती हमने देख ली है, फ़ोटो खिंचवा ली है, रील बना ली है। तो यार अब हमारा जो शौक था ना वो पूरा हो चुका है क्योंकि यार यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते क्योंकि यार यहाँ पे धीरे धीरे ना भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है यार। वो चीज़ भी यार कहीं ना कहीं यार आपको हिट करती है। तो अभी निकलते हैं यार यहाँ से, आगे फ्रंट में आपको फ्रंट का व्यू दिखा के फिर यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि हमारा चेकआउट का भी टाइम हो। यार ये जो इसका ताजमहल का जो आउटसाइड एरिया है ना, जो यहाँ का एरिया है, यहाँ पे जो चार्ज है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है। तो इसका 50 रुपीज़ टिकट है। इसके ऊपर वाली साइड है मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो यार वॉल के ऊपर आपको लॉक दिख रहे हैं, ये वॉल के ऊपर, ये जो वॉल के ऊपर जितने भी लॉक दिख रहे हैं ना आपको, फिर इसका जो चार्ज है वो 200 रुपीज़ चार्ज है पर पर्सन। तो यार इसमें क्या है 200 खर्च के सिर्फ आप वो वॉल के पास जा सकते हो। और यार वो वॉल के अंदर कुछ नहीं है, दरवाजे बंद है, वहाँ से ऊपर नहीं जाने देते, सिर्फ वो वॉल के ऊपर जा सकते हो। तो यार मेरे हिसाब से उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमने यार हमारे होटल वाले थे यार उन्होंने हमें समझा दिया था कि भैया वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऊपर जाओगे और 200 रुपये आप पर पर्सन दे वहाँ पर दोगे तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऊपर से कोई व्यू नहीं आएगा क्योंकि जो व्यू है इसका दूर से आता। क्यों? क्योंकि ये बड़ी बिल्डिंग है यार, जो बड़ी बिल्डिंग है आपको पता उसका व्यू दूर से ही आता है, पास से व्यू नहीं आएगा ना फोटो खींची जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है यार। 50 रुपीज़ में भी आप उतना मज़ा ले सकते हो बाहर का एरिया घूम के, तो वही भी यार सेम ही है। तो यार अगर आपको वो आपके ऊपर डिपेंड, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप भाई ऐसे भी वेस्ट कर सकते हो। सो गाइज यार 1.5 से 2 घंटा घूमने के बाद फाइनली अब हम आ गए हैं एग्जिट गेट पे। तो करते हैं एग्जिट यार, चलते हैं यहाँ से अपने हॉस्टल में, तो हॉस्टल से भी करते हैं चेकआउट और नेक्स्ट जर्नी जो है हमारी है वो है वो मथुरा वृंदावन। तो आपको दिखाते हैं मथुरा वृंदावन।